हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है वेब कोर्ट चैनल पे। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो होगा ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम एक्चुअल में मेल कैसे सेंड करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था थोड़ा रफ, जो हमने आइडिया लिया था ऑफलाइन चला के, कि बल्क ई मेल को हम सिलेक्ट करते थे और यहाँ पर ब्राउज करके, और यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं एक बार फाइल सेलेक्ट करता हूँ और विद ई मेल वाली सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये आ गया। और मैं इसको 2 मिनट के लिए कुछ भी लिख देता हूँ और सेंड करता हूँ। ये देखिए, हमारा स्टेटस बार भी शो हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है साथ साथ में, और जैसे ही हमारे मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगी, तो ये देखिए हमारे पास ये भी आ गया सक्सेस का। ठीक है, तो ये तो बात होगी फ्रेंड ऑफलाइन के। अब हम ऑनलाइन का काम कैसे करें, कि ऑनलाइन के लिए हम क्या करें। मैं करता हूँ इसको क्लोज, और जहाँ पर हमने ये टाइम जो स्लीप है ये हम हटा देते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो फ्रेंड, ये जो है फंक्शन सेम सही काम कर रहा है। अब हम चले जाते हैं अपने ईमेल फंक्शन में, ईमेल फंक्शन में जहाँ पे हमने ये नीचे रिटर्न एसेट लिया था, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और जो होल बाकी जो है कोड उसको कर देता हूँ अनकमेंट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे फ्रेंड, आप क्या करेंगे अगर इस फंक्शन को चलाएंगे, तो आप जब यहाँ पर जाएंगे और हमने जहाँ पर ये स्टेटस शो, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊँ रन करूँ, और यहाँ पे जहाँ पे क्रेडेंशियल्स है यहाँ पे आप एक्चुअल ईमेल डालेंगे और यहाँ पे एक्चुअल पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, तो जब आप डालेंगे यहाँ पर एक्चुअल ईमेल और एक्चुअल पासवर्ड और यहाँ पे सेव कर देंगे, तो और जब आप सेंड करेंगे तो आपको एक एरर आएगा। वो एरर कुछ ऐसा होगा कि क्रेडेंशियल नॉट अलो, कुछ लॉगिन मतलब आपको नहीं होने देगा। तो उसका सलूशन क्या है, उसका सलूशन ये है कि आप जो है अपने जीमेल अकाउंट खोलेंगे, जिस भी जीमेल अकाउंट से आपने मेल करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप जीमेल अकाउंट खोलेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे और अकाउंट पे जाएंगे, अपने अकाउंट पे जाएंगे, और यहाँ पर मेरा जैसे ये खुल गया तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी पे जाएंगे। ठीक है, और सिक्योरिटी पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन और एक है ऐप पासवर्ड। तो ऐप पासवर्ड हम जनरेट करेंगे। ठीक है, अब ये ऐप पासवर्ड तभी जनरेट हो सकता है अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐप पासवर्ड जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप पहले जो है लॉगिन कर लिए, तो मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। फ्रेंड, मैंने जैसे लॉगिन कर लिया, और लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक जो है ऐप पासवर्ड बना के रखा था, तो यहाँ पर आप जाएंगे दूसरा ऐप पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ऐप, आपने क्या बनाना है, आप किसके लिए बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मेल के लिए। ठीक है, तो मैं मेल क्लिक करता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ डिवाइस, मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं मेरा जो सॉफ्टवेयर वो कहाँ पर रन कर रहा है, वो चल रहा है विंडोज कंप्यूटर पे, तो यहाँ पे विंडोज कंप्यूटर करता हूँ। और यहाँ पे मैं जाता हूँ जनरेट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही जनरेट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे एक पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पासवर्ड है इसको आप कॉपी करेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आप सिंपल इसको डन कर देंगे। अब ये पासवर्ड जो है फ्रेंड आप कॉपी करके रख लें, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक टाइम के लिए ही आएगा, आप दोबारा इसको सी नहीं कर सकते, मतलब दोबारा अगर व्यू करना चाहेंगे तो आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप अच्छे से इसको कॉपी करके कहीं पर सेव कर लीजिए। और यहाँ पर इसने जैसे लिखा हुआ है कि आप एक बार जो कॉपी करेंगे और जब आप रियल में अपनी लॉगिन करेंगे तो आप अपना ऑफिशियल भी पासवर्ड डाल सकते हैं, और या तो आप ये कोड जो है ये खुद से जो जनरेट करके दे रहा है ये भी आप डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से डन करता हूँ, और यहाँ पर अब मैं अपने एप्लीकेशन में जाऊँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर वो पासवर्ड जो है ऐसे यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अब ये पासवर्ड डाल के यहाँ पर अपनी जो आपने मेल डालनी है, जो मेल आपने डालनी है जिसका ये पासवर्ड जनरेट किया, वहाँ पर वो मेल डाल देंगे। ठीक है, और इसको कर देंगे आप सेव, ये हो गया सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर आपने ये जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया होगा तो ही आपके पास ये ऐसा आएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो आपको ये ऐप पासवर्ड नहीं जनरेट होगा। अब एक तो यार तरीका ये हो गया, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं ऑन करना चाहते हो तो दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करेंगे अपने टैब में जाके लेस सिक्योर ऐप लिख देंगे। ठीक है, लेस सिक्योर ऐप लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपके सामने अलो के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब ये जो है लेस सिक्योर ऐप जो है ये हमें तब नहीं असेस होगा जब हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया, तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके खुद का ऐप पासवर्ड बनाया, तो इसलिए यहाँ पे हमें लेस सिक्योर ऐप जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, ये कह रहा है मुझे कि पहले आप वो क्लोज करो देन बाद में आप यहाँ पर आओ। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐप पासवर्ड बना लें, वो ज़्यादा ईजी रहता है।
तो आपने जैसे ऐप पासवर्ड बना लिया होगा, तो अब हम अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे। तो इसको पहले मैं कर देता हूँ क्लोज और अपने एडिटर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे फंक्शन में मैंने हटा दिया था। जी हाँ फ्रेंड, और अब यहाँ पे एल्स को भी तो मैं यहाँ पे हटा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा कोड वैसे ही है सिमिलर। अब हम यहाँ पर एक्चुअल मेल सेंड करेंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे, दोबारा रन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको ना सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे कोई मेल आया है कि नहीं। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक कोई भी मेल नहीं है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सिमिलर जो हमने ऐप पासवर्ड अभी जनरेट किया था वही आई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने ऐप में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना ही मेल आईडी लिखता हूँ, वेब कोड 867@gmail.com। ठीक है, तो यार अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना सबसे पहले ना इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यार मैंने जब यहाँ पे दोबारा सेव किया था ना डाटा, तो यार वो दोबारा रिफ्रेश नहीं हुआ होगा वो फंक्शन जब हम उसको क्रिएशन को कॉल कर रहे थे। तो यार इसको मैं करता हूँ क्लोज। और एक बार हम क्या करते हैं यार, यहाँ पे ना सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम चेक कर रहे हैं कहाँ पर हम कर रहे हैं सेव फाइल में और ओपन भी हम कर रहे हैं, तो रीड कर रहे होंगे चेक फाइल एग्जिस्ट या नहीं। ठीक है, इस फंक्शन को ना हम दोबारा यार ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैं क्रेडेंशियल्स को सेव करूँगा, तो यहाँ पर सेव सेटिंग में, ठीक है, जैसे ही मैसेज बॉक्स हो जाए तो यार इसी को दोबारा कॉल करते ताकि वो हमारी दोबारा से कन्फिग हो जाए। ठीक है, तो ये एक एरर आ सकता था इसलिए मैंने यहाँ पे सही कर दिया। तो यार अब मैं ना इसको रन करता हूँ। ठीक है, उससे रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार अपनी ईमेल फंक्शन में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्रिंट कमांड दिया था इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए दिया था। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे भी एक बार मैं देख लेता हूँ प्रिंट कमांड जो है वो पहले जो है सभी को वो कर देता हूँ डिसेबल। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फाइंड करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी प्रिंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पर रन करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ पाइथन और ये है मेरी मेन फाइल। और यहाँ पर अब मैंने जो है एक्चुअल यहाँ पे रन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लॉग इन करता हूँ तो यहाँ पे हमारी जो है एक्चुअल है वो है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, पहले अपने आप को ही भेजता हूँ वेब कोड 67@gmail.com। ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ दिस इज फाइनल टेस्ट। ओके, ये लिख देता हूँ सिंगल ईमेल टेस्ट। अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हमारा ये जो ईमेल है वो सेंड हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से ओके। और अब मैं जाता हूँ बल्क पे टेस्ट करता हूँ, या फिर एक बार हम अपने जो है इनबॉक्स को चेक करते हैं। तो यार यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ गया है मैसेज कि दिस इज फाइनल टेस्ट, और यहाँ पर आपको देखेंगे मैसेज भी आ गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी आया इस बार हमारा और मैसेज भी आया। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से बल्क सेंड करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पर और इस बार मैं करता हूँ सिलेक्ट बल्क, और यहाँ पर मैं ब्राउज करता हूँ। और मुझे पता है मैंने ऑल ईमेल डेटा में अपनी ही ईमेल रखी है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ बल्क ईमेल टेस्ट प्लीज हिट लाइक इफ सक्सीड। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँ। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, हमारा जैसे ही सेंड हुआ तो इसने वन भेजा, यहाँ पे लेफ्ट कितना रह गया टू। अभी ये देखिए ये अपने आप लाइव चल रहा है फ्रेंड, ये जो है बिल्कुल लाइव चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये तीन हो गए, यहाँ पे फाइव लेफ्ट रह गया, यहाँ पे फोर लेफ्ट रह गए। टोटल हमारी जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये चली जा रहा है जैसे जैसे सेंड हो रहा है, और यहाँ पे हमारा ये जो है अपडेट भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें मैसेज आएगा, ये देखिए हमें मैसेज आ गया ईमेल हैज बीन सेंड प्लीज चेक स्टेटस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट जो है जीरो, फील्ड हमारे पास जीरो है, सेंट हमारे पास एट है। तो अब अगर मैं यहाँ पे अपने ईमेल में जाके देखूँ तो ये देखिए फ्रेंड हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली सारे आ गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं कोई भी ओपन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आए। तो फ्रेंड हमारा जो है ये बल्क ईमेल जो है कैसे हमने सेंड किया ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पे वर्क करके देखा कि कैसे कैसे हम जो भी हमारे पास वैलिडेशन आ सकती हैं पॉसिबल वो हमने लगा, और यहाँ पर हमने स्टेटस बार भी लगाया, और यहाँ पर हम क्लियर भी कर सकते हैं इसको। तो जैसे मैं क्लियर करता हूँ तो ये देखिए क्लियर भी हो गया। तो आई नो फ्रेंड आपकी ईमेल से आईडी जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि आपने जो है कमेंट तो किए थे कि हाँ आई वॉन्ट टू बिकम दिस पार्ट, बट आपने जो है ईमेल आईडी अपनी साथ में नहीं रखी। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमारा मेन मकसद यहाँ पे ये था कि हम जो है कैसे ये बनाएंगे, तो हमने ये सीखा कैसे, और फुली फ्रेंड ये जीयूआई के साथ है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में किसी और सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।